बीएड ग्रोथ टाइम लैप्स, अगर आप बीएड की ग्रोथ करना चाहते हैं तो बीएड ग्रोथ करने में कितना समय लगता है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीएड ग्रोथ करना चाहते हैं, साथ में उनको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितने समय में बीएड की ग्रोथ कर सकते हैं। तो दो टाइप्स के इंसान होते हैं, एक तो होता है कि जिसकी नेचुरल बीएड ग्रोथ हो जाए तो उसको आने में कितना समय लगता है, सेकंड कोई ट्रीटमेंट से या कोई प्रोडक्ट यूज़ करके, जैसे कि बियडोल्स कैप्सूल्स क्रीम यूज़ करके हम बीएड ग्रोथ करेंगे तो उसमें कितना समय लगेगा। तो पहले हम बात करेंगे जो नेचुरल बीएड ग्रोथ जिनकी हो जाती है तो कितने टाइम तक हो जाती है। अगर आपकी प्योरिटी मेच्योरिटी काफ़ी जल्दी आ गई है, आपके फेस पर पतले पतले बाल काफ़ी जल्दी आ गए हैं तो उसको ग्रोथ होने में कम से कम 17 से 18 साल के बीच में आपकी फुल बीएड ग्रोथ हो जाएगी। यानी अगर आपकी प्योरिटी 12-13 साल के अंदर आपकी आ जाती है, फेस पर पतले बाल आ जाते हैं, जो प्रॉपर काली यानी मोटी जो दाढ़ी होती है उसको ग्रोथ होने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, आपकी हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप नेचुरल बीएड की बात करें तो आपकी 18 साल तक आपकी नेचुरल बीएड आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई फिर आपकी नहीं आएगी नेचुरल, पर आपको ट्रीटमेंट्स करके बीएड ग्रोथ करना पड़ेगी। तो जो नेचुरल बीएड ग्रोथ वाले हैं, अगर आपकी एज 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, तो आप अभी भी आपके पास टाइम है। आप अच्छी डाइट लेके, अच्छा वर्कआउट करके और आपकी बॉडी को फिट करके आप नेचुरल बीएड ग्रोथ कर सकते हैं। तो 18 साल तक अगर आपकी नहीं आई फिर आपको ट्रीटमेंट्स करना चाहिए। अब बात करते हैं आप ट्रीटमेंट्स करके कितने समय में आपकी बीएड ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी 18 साल से ऊपर एज है, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 35 साल अगर आपकी एज है तो आपको कितना टाइम लगेगा बीएड ग्रोथ करने में। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कोई बियडोल्स यूज़ करते हैं, कैप्सूल्स यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, होम ट्रीटमेंट्स भी आप लेके चलते हैं, तो अगर आप एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोई सा भी और आपकी बीएड पर आप रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो वाकई में रिजल्ट दे रहा है तो कम से कम 100 डेज में आपकी प्रॉपर पूरे फेस पर बीएड आ जाती है। ओनली 100 डेज, अगर आपने 100 डेज कोई ट्रीटमेंट्स किया और आपकी बीएड नहीं है यानी वो ट्रीटमेंट फेक है, आपको फिर दूसरा ट्रीटमेंट्स यूज़ करना चाहिए। इसके पीछे भी क्या टॉपिक होता है, क्या मैटर होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन 100 डेज में आपकी प्रॉपर बीएड ग्रोथ हो जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आप कोई कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं बीएड ग्रोथ करने के लिए, पर आप बियडोल्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस रीज़न से आपकी बीएड ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी क्या कारण है जिसके बाद आपके फेस पर हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो रही। तो वो रीज़न अगर आप समझ जाओगे तो वो रीज़न काफ़ी जल्दी से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। किन लोगों के 100 डेज में बीएड ग्रोथ हो जाती है? जो लोग मैस्टरबेट नहीं करते, अगर आप मैस्टरबेट करते हो तो आपकी बीएड आना इम्पॉसिबल आप मान सकते हैं, क्योंकि वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को लो करता है। जो भी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को लो करता है, समझ जाना कि आपकी बीएड ग्रोथ होने में कोई से ना कोई से प्रॉब्लम्स जरूर आएगी। तो पहले अगर आप मैस्टरबेट नहीं करते हो तो आपकी 100 डेज में बीएड ग्रोथ हो जाएगी। अगर आप ड्रिंक स्मोक वगैरह करते हो तभी भी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है बीएड ग्रोथ होने में। तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट, मैस्टरबेट आपको नहीं करना चाहिए। सेकेंड, आपको ड्रिंक स्मोक वगैरह नहीं करना चाहिए। थर्ड, आपको डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए। फोर्थ, आपको पानी ज़्यादा पीने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी पतला रहे और काफ़ी जल्दी हर एक जगह पर फ्लो हो। फिर बाद में आप जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं वो ट्रीटमेंट्स आप करें, 100 डेज में आपकी प्रॉपर बीएड ग्रोथ हो जाएगी। यानी आप 3 महीने आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई बियडोल्स लगा रहे तो 3 महीने लगाए, अगर आपके पूरे फेस पर बाल आएगा तो आप सोच लेना कि यार ये ट्रीटमेंट्स काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए लगाने के लिए, 3 महीने आप कंटिन्यू यूज़ करें 100 डेज, तो उसके बाद आप उसका रिव्यू कर सकते हैं कि भाई मुझे ये फ़ायदा नहीं कर रहा है, मुझे ये नुकसान कर रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है, तो उसके बेस पे आप समझ सकते हैं। तो दो टाइप के इंसान हैं, पहले थे 18 से कम वाले लोग जिनकी नेचुरल बीएड ग्रोथ हो जाती है, तो वो तो आप होंगे, आपको पता है अगर आप 18 प्लस हो जाते हैं तभी आपको बीएड की प्रॉब्लम्स आती है, वो ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड, आप अगर टाइम जानना चाहते हैं कितने टाइम में बीएड ग्रोथ हो जाती है, मैंने आपको 100 डेज या 3 महीने मैंने आपको बता दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट्स करें। बाकी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुरू